Good morning, students. Yes, sir. Yes, sir. Are you all able to listen to me? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Good morning. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, everybody. And one. Good morning, sir. One thing. I would like to repeat once again. If you have not switched on your videos, please turn it on. अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग. सर मेरा ऑन है. हाँ. तो कौन है? मेरा भी ऑन है. Yes. Here is Aman Chauhan. Aman Chauhan, I am unable to see your face. Good morning, sir. Good morning. Good morning. अभी ये सब ऑन कर लिया. And Ankit Kumar Rajput. Sit properly. Priyanshu Singh. Priyanshu Singh. आप लोग अपना कैमरा ऑन रखा करो, ठीक है? केजी ऑन किया, सबसे ऑन किया. चलिए. हाँ, ये नहीं किया. Still some students are trying to join. केजी ऑन तो ये. 19 students are joining. किया मिलता नहीं. And one thing about us, एक चीज मैं आपको और बता दूँ, जब क्लास है तो कम से कम आप उस समय आपस में बातें ना किया करें. आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? आओ, will you follow? Will you follow? Yes, sir. आनंद करोगे आप? आप मानोगे इन बातों को? हर्षित सिंह? Yes. हर्षित, काफिया मुमताज, आदर्श कुमार, सुगांशु राजभर. आप लोगों का चेहरा भी इन लोगों के चेहरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं. आयुष कुमार, turn on your video. आयुष एंड आदर्श कुमार. ओके. आदर्श कुमार, आपका वीडियो अभी भी बंद है. हाँ. यस, बोलो. गुड मॉर्निंग सर. सर टीवीएस के सर सोनू सिंह ने थोड़ा वीडियो नहीं ऑन किया है. टीवीएस मैं बाहर आ लिया. चलिए तो बेटा. हाँ. मैं आप लोगों को बता दूँ. ए हुई दिस न्याशा. व्हाट हैपेंड? सिट प्रॉपरली. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. Today we are going to start a new chapter. Okay. And but before going to the chapter, I would like to ask some questions. Do you know what is the diary and the entry? Do you know what is it? The gabba hata hata hai, chala di vati hota hai, the gabba. Harshit, what is diary entry? Diary entry क्या होती है पहले ये बताइए मुझे. Diary entry क्या होती है? Diary entry. हाँ. आप diary entry कैसे करते हो? Diary में कैसे लिखते हो? आपने कभी पढ़ा है किसी का diary? बोली ना. भैया आपने कभी किसी की डायरी को पढ़ा है? कब? नो सर. यस सर. नो सर. बताइए. रोनाल्ड रॉस की. ओके. ये कहानी थी उनकी उन्हीं के शब्दों में. लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं. आपको क्लास 4 में ओमनाथ जर्नी याद होगा. क्लास 4 में आपने ओमनाथ जर्नी पढ़ा था. यस सर. याद है आपको? यस सर. यस सर. चैप्टर को हमने पढ़ा था. उसके उस चैप्टर को लिखने की एक पर्टिकुलर स्टाइल थी. यस सर. डायरी एंट्री करते हो तो क्या करते हो? ऊपर डेट लिखते हो, टाइम लिखते हो, और फिर लिखने वाला अपने खुद के एक्सपीरियंस उस डायरी में शेयर करता है ना? यस सर. यस सर. फ्रेंड की तरह होती है. आप उससे अपनी सारी बातें
शेयर करते हो जो शेयर नहीं कर पाते हो। ओके सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अ डायरी। आज भी हम एक डायरी ही पढ़ने वाले हैं और ये डायरी जिन्होंने लिखी है उनका योगदान डायरी लिखने में ही नहीं है बल्कि उन्होंने आपकी बुक को लिखने में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है एंड डू यू नो हु इज शी, कौन है वो, कौन है? नो जी संगीता अरोरा। Now today in our ninth chapter which is named as up you go, जब आप ऊपर जाते हो, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस किनके हैं? संगीता अरोरा वो एक केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इस डायरी में लिखा है। उनका एक्सपीरियंस हम आज पढ़ने वाले हैं। उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा, उनकी डायरी को आज हम पढ़ने वाले हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि आपकी जो EVS की टेक्स्ट बुक है उसको लिखने में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल है। ओके सो आर यू रेडी टू गो थ्रू द पेजेस ऑफ हर डायरी? आप उनकी डायरी के पेजेस को पढ़ना चाहोगे? यस सर। ओके यस सर। आई एम गोइंग टू म्यूट यू फॉर अ फ्यू मिनट्स, 10 to 15 minutes। ओके देन आई विल गिव यू चांस टू स्पीक बट इन बिटवीन लिसन इट केयरफुली। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप क्वेश्चन पूछ पाओगे मुझसे, अगर आप सुनोगे नहीं तो मैं जब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कहूंगा आप नहीं पूछ पाओगे। सो लिसन इट केयरफुली। ओके मैं थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट कर रहा हूं। यस सर। ओके एंड लिसन इट व्हाटएवर शी हैज रिटन इन हर डायरी। ओके स्टूडेंट्स नाउ लुक एट योर टेक्स्ट बुक ऑन द पेज नंबर 76। नेम ऑफ द चैप्टर इज अप यू गो, जब आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो। एंड दिस इज द एक्सपीरियंस और शेयर इन द पेजेस ऑफ डायरी ऑफ संगीता अरोरा। व्हाट इज शी सेइंग हियर? Let us see. As you can see here, the date is mentioned 2nd February 1984. जैसा कि आप लोग जानते हो, जब भी हम डायरी लिखना शुरू करते हैं तो डायरी के सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? डेट और टाइम। डू यू रिमेंबर? याद है आपको? अगर भूल गए हो तो एक बार याद कर लो इसको। जब भी हम डायरी लिखना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले डेट और टाइम अवश्य लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2nd February 1984, यानी ये घटना उस दिन की है और इसी दिन उन्होंने अपनी डायरी को लिखा है। देखिए हेडिंग क्या है, माउंटेनियरिंग कैंप, यानी एक ऐसा कैंप जो पर्वतारोहियों का है, जो लोग पर्वतों पे यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, ऐसे लोगों का ये कैंप है। एंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। और ये जो इंस्टीट्यूट है जो इनको लेकर के जा रहा है उस माउंटेनियरिंग के लिए, जिस इंस्टीट्यूट ने इनको ट्रेंड किया है, वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इस संस्था का काम है लोगों को माउंटेनियरिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को के लिए ट्रेंड करना, है ना? तो देखते हैं अब संगीता अरोरा अपनी डायरी में क्या लिखती है। लेट अस सी हियर। We were all at the mountaineering camp and were very excited. हम सब लोग अपने mountaineering camp में थे, उस camp में थे जो mountaineering की तैयारी कर रहा था। And we all were very excited. हम सब लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। Okay, their teamwork was very excited because they were going to experience mountaineering. वो पर्वतारोहण का अनुभव प्राप्त करने वाले थे बहुत जल्दी, है ना? एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे वर फीलिंग वेरी एक्साइटेड। नाउ 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। अब इस ग्रुप में जो 20 लोग थे वो केंद्रीय विद्यालयों के टीचर्स थे केवल, ठीक है? इस माउंटेनियरिंग कैंप में, इस कैंप में जो लोगों का ग्रुप था
उसमें 20 लोग केवल टीचर्स थे, हाँ केंद्रीय विद्यालय ये, एंड देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, और कुछ दूसरी महिलाएं भी थी जो बैंकों में काम करने वाली थी या फिर किसी दूसरे संस्थान में काम करने वाली थी, है ना. सो दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 20 पीपल, है ना, इन विच एटलीस्ट 20 वर द टीचर्स एंड अदर्स वर द मेंबर ऑफ अदर इंस्टीट्यूट लाइक बैंक और सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, किसी दूसरे संगठन के वो सदस्य थे, है ना. नाउ लुक एट द सेकंड पैराग्राफ. टुडे वॉज द सेकंड डे ऑफ द कैंप, और आज जो है कैंप का दूसरा दिन था. पहले दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है और यहां दूसरे दिन का सीन है. हियर शी शेयरिंग हर एक्सपीरियंस इन द डायरी ऑफ द सेकंड डे, है ना. लेट अस सी. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ माई बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन. अब यहां संगीता अरोरा जो टीचर है केंद्रीय विद्यालय की, वो क्या लिखती है, क्या कहती है वो. When I got up in the morning, जब मैं सुबह सोकर उठी, and put my feet on the ground, I screamed with pain. मैं चीख पड़ी दर्द से. जैसे ही उन्होंने, संगीता अरोरा ने अपना पैर जमीन पर रखा, वो दर्द के कारण चीख पड़ी. हाँ, चीखना, scream. Screamed means चीखना, चिल्लाना, है ना. जब आपको बहुत ज्यादा पेन हो तो आप क्या करते हो, चिल्लाते हो ना, चीखते हो. हाँ, तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ. सो टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ माय ऑफ द कैंप. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड, जैसे ही मैं अपने बेड से उठी, एंड पुट माय फुट डाउन, और जैसे ही मैंने अपना पैर जमीन पर रखा, आई स्क्रीम्ड इन पेन, मैं दर्द से चिल्लाई. आई रिमेम्बर्ड, और तब मुझे याद आया, जब मुझे पेन हुआ, जब मुझे दर्द हुआ, तब मुझे याद आया. क्या याद आया, आई रिमेम्बर्ड यस्टरडेज, कल का. यस्टरडेज मीन्स कल का. 26 किलोमीटर वॉक विथ हेवी रक्सैक ऑन माई बैक. जब सुबह उठते ही, पैर रखते ही जमीन पर दर्द हुआ, तब मुझे याद आया कि कल जो हमने यात्रा की थी 26 किलोमीटर की लंबी यात्रा, है ना, उसकी याद आई मुझे. और उस यात्रा में मेरी पीठ पर एक हैवी रक्सैक बना हुआ था. रक्सैक मीन्स एक ऐसा बैग जिसको हम अपनी पीठ पर लाद लेते हैं. पीठ पर जो हम बैग टांगते हैं उसको क्या कहते हैं, रक्सैक, R-U-C-K, रक, S-A-C-K, सैक. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड देन. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइम एंड रफ नैरो पाथ. अब यहां वो क्या कहती है, जैसे ही मैंने पैर रखा जमीन पर, तो मेरे पैर में तो छाले पड़े हुए थे, 26 किलोमीटर की लंबी यात्रा पिछले दिन हमने पहाड़ों पर की थी, और आप जानते ही हो माउंटेनियरिंग में पहाड़ों पर, पथरीले रास्तों पर चलना कितना मुश्किल होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज स्टिल फीलिंग पेन इन हर फुट, है ना. एंड अब वो जो है डर महसूस कर गई थी, जो एक्साइटमेंट था माउंटेनियरिंग का शुरू में, अब वो एक्साइटमेंट देखिए उस कठिन यात्रा में कहां गायब हो जाता है, है ना. अब क्या हुआ, उनके पैरों में जब दर्द होने लगा तो वो क्या चाहती हैं, अब उनको डर लगता है फिर से वापस उन्हीं पथरीले रास्तों पर यात्रा करने में, उन पतले रास्तों पर चलने में. नाउ आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब. स्टीप क्लाइंब मीन्स सीधे पहाड़ों पर चढ़ना. पहाड़ों की हाइट कैसी होती है, बिल्कुल पीछे लगता है जैसे सीधे खड़े हों, है ना. तो ऐसे पहाड़ों पर यात्रा करना, स्टीप क्लाइंबिंग करना, सीधे खड़े हुए पहाड़ों पर जिनकी स्लोप बहुत ज्यादा थी, ऐसा लगता था कि बिल्कुल तेजी से वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, है ना. तो ऐसे पहाड़ों पर यात्रा करना, उसके रफ यानी उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना, जो नैरो भी थे यानी पतले रास्ते भी थे, पतले उबड़ खाबड़ और सीधी चढ़ाई वाले रास्तों पर चढ़ना, अब मुझे बड़ा मुश्किल लगा. उसको याद करके ही मुझे डर लगने लगा, ऐसा वो अपनी डायरी में लिखती हैं. ओके, नाउ
Look at the third stanza. With tears in my eyes. ये पेन इतना ज्यादा था, ये दर्द इतना ज्यादा था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. With tears in my eyes, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh. अब वो क्या कहती हैं कि अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, With tears in my eyes, I started walking towards the room of my instructor, Brigadier Gyan Singh. क्या कहती है वो, अपनी आंखों में आंसू के साथ मैंने धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया अपने इंस्ट्रक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ, उनके कमरे की तरफ. सी द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, और ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे यही हमारे कोर्स के, हमारी माउंटेनिंग के डायरेक्टर भी थे, इन्हीं के निर्देशन में हमें ये यात्रा पूरी करनी थी. सो आई वॉज थिंकिंग of what I would say to excuse myself from that day's track. अब मुझे, मैं ये रास्ते में जाते हुए सोच रही थी, संगीता गोगा क्या कहती है कि रास्ते में जाते वक्त मैं ये सोच रही थी कि आज की ट्रैकिंग के से बचने के लिए, आज की ट्रैकिंग से एक्सक्यूज पाने के लिए मैं अपने इंस्ट्रक्टर, अपने कोर्स के डायरेक्टर को कौन सा बहाना सुनाऊंगी, क्या कहूंगी जिसकी वजह से मुझे वो आज एक्सक्यूज दे दें, आज छूट दे दें कि आज आप रेस्ट करो, आज आप यात्रा मत करो. शी वॉज थिंकिंग सो, ऐसा वो सोच रही थी अपने मन में कि कुछ ऐसा कारण बताया जाए कि आज उन्हें ट्रैकिंग न करनी पड़े, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग न करनी पड़े. वाइल गोइंग टूवर्ड्स द रूम ऑफ अ डायरेक्टर, ऐसा अपने डायरेक्टर के रूम की तरफ जाते हुए वो सोच रही थी. Then suddenly, तभी अचानक क्या होता है, I heard his deep voice from behind. अभी वो उनके रूम की तरफ, उनके कमरे की तरफ जा ही गई थी, तभी क्या हुआ, पीछे से उन्हें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज सुनाई देती है. आवाज कैसी है, डीप, भारी गंभीर आवाज है. I heard his deep voice from behind. अपने पीछे से मुझे अपने डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज सुनाई दी. ऐसा कौन कहता है, Who is saying so? संगीता अगोरा, टू हूम शी इज राइटिंग इट इन हर ओन डायरी. ये एक्सपीरियंस वो अपनी डायरी में ही लिखती हैं. अब देखिए, हाँ बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम, बोलो हटा दो उसको अपने मुंह से, हटाओ जल्दी, बोलो बोलिए जल्दी बोलिए बेटा, डोंट वेस्ट टाइम. Screamed, screamed, चीखना, screamed. Scream तो जानते हो ना आप, देखिए क्या लिखा हुआ है, screamed. अगर बड़ा वर्ड है आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप screamed, क्रीम, क्रीम तो जानते हो, उससे पहले एस लगा दो और ये ईडी उसका पास्ट फॉर्म हो गया, screamed, चीखा है ना. चलिए हाँ, तो देखिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जब पीछे से उनकी आवाज आती है वो क्या कहते हैं, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने क्या कहा, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट द ब्रेकफास्ट टाइम, आप इस समय ब्रेकफास्ट के टाइम पर यहां क्या कर रही हैं आप, हरी अप जल्दी कीजिए, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक, और नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज नहीं तो, You have to track. तुम्हें ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा. You have to track. There is no excuse. है ना? Empty stomach. खाली पेट. Hurry up. Take your breakfast. What are you doing here? Unless, otherwise, you have to track. Empty stomach. खाली पेट ही ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा. फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी. है ना? अब देखिए उनकी आवाज सुनकर इनका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कहती हैं, सर सर, एंड देन डॉटेड थ्री डॉट्स आर देयर, मींस शी वांटेड टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती हैं लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई, सर सर,
आई कुड नॉट से एनी मोर, लेकिन उसके बाद वो कुछ और नहीं बोल पाई संगीता अगोवा, और कुछ नहीं बोल पाई, केवल सर सर बोल करके ही वो शांत रह गई. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट. और उनके सर कहते ही ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने क्या कहा, व्हाट हैज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह सेड, हिज डायरेक्टर, अ डायरेक्टर ऑफ द कोर्स, हियर ही इज सेइंग यू हैव केम, आप आए हो यहां पर टू टेल मी, मुझे बताने के लिए दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, आपके पैरों में ब्लिस्टर्स हैं, छाले हैं. व्हाई हैव यू कम हियर, क्यों आए हो आप यहां, यू वॉन्ट टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, आपके पैरों में छाले हैं, दैट यू कैन नॉट वॉक, आप चल नहीं सकते हो, ये बताने आए हो आप मुझे, इजंट इट, ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है क्या. अब जब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने ये बातें कही कि आप मुझे ये बताने आए हो कि आपके पैरों में छाले हैं, आप चल नहीं सकती हो, तो संगीता अगोवा ने क्या कहा, यस सर हाँ मैं यही बताने आई थी, दैट इज नथिंग न्यू. और तब डायरेक्टर सर ने क्या कहा, दैट इज नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, माउंटेनियरिंग में ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन, ये बहुत सामान्य बात है पैरों में छाले पड़ जाना. बट इवन आफ्टर दैट यू हैव टू डू ट्रैकिंग, आपको ट्रैकिंग बंद नहीं करनी है, काम करना है. नाउ गेट रेडी क्विकली, और क्या कहा उन्होंने, गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ. अब इतना सुनते ही उनका क्या रिस्पॉन्स आया, देखिए क्या लिखती है वो, आई हंग माई हेड, क्या किया उन्होंने, आई हंग माई हेड, सर जो था वो लटक गया, आई हंग माई हेड, यानी सर लटकना किस चीज का प्रतीक है, निराशा का, है ना, जो आशा थी आज ट्रैकिंग से बचने की वो आशा खत्म हो चुकी है, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है, वो होप खत्म हो चुका है, नाउ देयर इज नो होप फॉर द एक्सक्यूज इन ट्रैकिंग, है ना, अब ट्रैकिंग से बचने की कोई उम्मीद नहीं है. आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी, और उन्होंने क्या किया, निराशा तो हुई लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया, सी गश्ट, भागी बिल्कुल तेजी से, जिन पैरों में छाले पड़े हुए थे, जिनसे वो चल नहीं पा गई थी, रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए आ गई थी, सुबह उठते ही जिन छालों की वजह से, जिन ब्लिस्टर्स की वजह से उनकी चीख निकल गई थी, अब उन्हीं पैरों में छालों के साथ वो तेजी से भागी, सी गश्ट, गश्ट मीन्स टू रन क्विकली, तेजी से भागना, सी गश्ट बैक टू गेट रेडी, वापस भाग गई, कहा तैयार होने के लिए, टू गेट रेडी फॉर द ट्रैकिंग, अब पर्वतारोहण के लिए तैयारी के लिए वो तेजी से भागी. आई हैड जस्ट टर्न्ड, अभी मैं केवल पलटी ही थी वापस जाने के लिए, आई हैड जस्ट टर्न्ड, क्या कहती है वो, आई हैड जस्ट टर्न्ड, अभी मैं केवल पलटी ही थी जाने के लिए, व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन, और तभी मैंने डायरेक्टर सर की यानी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज दोबारा सुनी, इस बार क्या कहा उन्होंने, लेट अस सी, अब देखते हैं डायरेक्टर सर क्या कहते हैं, लिसन मैडम, क्या कह रहे हैं वो, लिसन मैडम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, आपको सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं करनी है टुडे, यू वोंट हैव टू डू ओनली ट्रैकिंग, यू हैव टू लीड ग्रुप नंबर 7, है ना, यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ जुड़ जाती है कि आपको उन मेंबर्स की हेल्प भी करनी है जिनको किसी तरह की समस्या है ट्रैकिंग करने में. नाउ सी व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट अ क्रिटिकल कंडीशन इज हियर, कैसी विषम परिस्थिति है यहाँ पर, जो व्यक्ति खुद अपने छालों से, अपने पैरों में ब्लिस्टर से परेशान है, जो सुबह चल नहीं पा रहा था, उठने के बाद अपने पैरों को जमीन पर नहीं रख पा रहा था, उसको जो एक्सक्यूज लेने के लिए गया था आज, उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आपको सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं करना है बल्कि आपको ग्रुप नंबर 7 को लीड भी करना है, उसका नेतृत्व भी करना है ना. यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी
क्लाइंबिंग द माउंटेन, आपको उस सदस्य की सहायता भी करनी है जिसको किसी भी तरह की परेशानी हो माउंटेन क्लाइंबिंग में. यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स. और आपको ग्रुप लीडर में, ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो ग्रुप लीडर होता है उसकी कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय, इसके बारे में आपको बहुत पहले ही बताया जा चुका है ना. सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ द चैप्टर विच वी लर्न जस्ट नाउ. नाउ स्टूडेंट इट्स टाइम टू डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस. सो गेट रेडी, अनम्यूट योर सेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर. सर, हाँ सर, हाँ बोलिए बेटा. यस सर, बोल रहे हैं. सर, हाँ बोलिए. सर बोलिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आप लोगों ने कभी माउंटेन देखा है? आई होप नो सर. हाँ नहीं देखा है. नो सर. नो सर. चलिए अगर रियल, नो सर. सॉरी यार. ओके अगर आपने रियलिटी, रियल में माउंटेन नहीं देखा है तो आपने फिल्मों में, पिक्चर्स में अवश्य देखा होगा. यस सर. हाँ तो आप समझ सकते हो माउंटेन्स. बेटा वो फैन बंद करो, स्विच ऑफ दैट फैन. सर सर हाँ, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं देखा हो तो इमेजिनेशन आपके मन में होगी अवश्य. आपने पिक्चर्स देखी होंगी, फिल्मों में देखा होगा माउंटेन को, है ना. ओके सर. हाँ सर बताइए. सर बोल रहे हैं कि इसको घर, सर इसको घर पे रीड करना है. पहले सुन लो बेटा, मैं बताऊंगा आपको. हाँ तो अगर आपने माउंटेन देखा है तो कहाँ देखा है? हूँ आई सीन माउंटेन. सर पहाड़ देखे हैं. पहाड़ कहाँ देखे होड़ा? Where have you seen? सर सर जम्मू कश्मीर. यस जम्मू कश्मीर. सर आई एम जम्मू कश्मीर. आई एम जम्मू कश्मीर. I am Jammu Kashmir. I have seen mountains. Sir, I have seen Jammu Kashmir. What will you say? I have seen mountains in Jammu Kashmir. Mountain in Jammu Kashmir. Yes. You are not Jammu Kashmir. Sir, sir, हम पहाड़ देखे हैं. हाँ तो देखे हो तो कहाँ देखे हो बताओ. Where have you seen? Sir, Bihar. Sir, Bihar में. Bihar में. Sir, Bihar में. यस सर. चलो सर. सर हम लोग मेला जा रहे तभी देखे थे. अच्छा चलिए ठीक. हाउ फार मेला जा रहे हैं. हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार यू हैव वॉक्ड एट वन टाइम, एक बार में आपने कितनी दूरी यात्रा की है, एक बार में आप कर सकते हो. हां सर क्या, एक बार में आप कितना किलोमीटर पैदल चल सकते हो? 100 meters. How far you can walk? 20 kilometers. 2 kilometers. 20 kilometers. 2 kilometers. 2 kilometers. ये विश्वसनीय लगता है. सर, सर ये विश्वसनीय. Okay. विश्वसनीय रही है. हाँ. Now here is something to imagine. What do you think about the path on the mountains? आपको क्या लगता है? जो पहाड़ों पे रास्ते होंगे. ये क्या है? पहाड़ों पर जो रास्ते होंगे वो किस तरह के रास्ते होंगे? सर सीधे. सीधे. सर सीधे. सीधे. और प्लेन. एंड नैरो पाथ. और नैरो पाथ. नैरो रफ अनइवन सरफेस और समतल होंगे. सर रफ पर है ना, जिन पे चलना बहुत मुश्किल होगा. यस सर. ऐसा ही होगा ना. यस सर. चलिए चलिए अब एक बार मैं आप लोगों को फिर से म्यूट करता हूँ और देखते हैं जो हमने अभी चैप्टर पढ़ाया, मैं आप लोग उसको पढ़ के सुनाओगे मुझे यहाँ पर, है ना. यस सर. हियर आई कैन सी, जस्ट वेट, हियर इज अमन चौहान
स्टिल यू आर नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन. अभी भी आप क्यों आप पोस्टर लगा देते हो बेटा? अमन चौहान आपका चेहरा दिखाई देता क्या है? नाउ आर यू लिसनिंग मी? अमन अनम्यूट करो अपने आपको पहले. अमन अमन पर देखो अमन कोई बोल रहा है. अमन चौहान आर यू लिसनिंग मी? अमन चौहान आर यू लिसनिंग मी? अनम्यूट योर सेल्फ. अनम्यूट योर सेल्फ. यस सर. And read the text. Yes, sir. I am listening. Read the text. अभी अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसको पढ़िए. First, start reading first paragraph. चलिए. बोलो बेटा. We are at the mountain. हाँ. बोलो. Yes, Aman, I am waiting for you. Aman. चलिए मेरे लगता है आप सुन नहीं पा गए हो शायद. अगाध्या अगाध्या अनम्यूट योर सेल्फ. यस सर. विल यू रीड फर्स्ट स्टैंजा? वी वेयर एट द माउंट ट्रेनिंग कैंप. Yes. And we are very excited. Ah. 20 of us were teachers from Kendri Vidyalaya. Hmm. There were other women from banks and other institutions. Okay. Today institution. Was the second day of the camp in the morning. Hmm. As I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that step climb and the so narrow path. Okay. So can you explain these lines? Why yes, she screamed? Why she screamed when she got up in the morning? Why she screamed? After getting up in the morning, when she put down her foot on the ground, जब उन्होंने अपना पैर ज़मीन पर रखा तो क्यों चीख पड़ी वो? Why she screamed? सर दर्द के मारे. And why she was feeling pain? Why was she feeling pain? ये दर्द क्यों था बेटा? सर क्योंकि वो 26 किलोमीटर चले थे. So, can you answer it in English? Try to answer it yes, in English. Try. Yes. Boliye. Sir, Sangeeta Madam yesterday 26 kilometer walk. Yes, she walked 26 kilometer with heavy rucksack on her back. है ना? एक भारी भरकम पीठ पर लदे हुए थैले के साथ 26 किलोमीटर की लंबी यात्रा उन्होंने माउंटेन्स पर की थी. और वो रास्ते कैसे थे? अनइवन, असमतल, रफ, नैरो पाथ, है ना, एंड स्टीप माउंटेन. ओके. नाउ हियर आई कैन सी ओम. अनम्यूट योरसेल्फ. ओम. यस. विल यू रीड? अनम्यूट करो बेटा. And start reading. Yes, sir. हाँ, पढ़ना शुरू कीजिए आगे से. Yes, sir. आगे से पढ़ना शुरू कीजिए. Sir. Do you have book? Book है आपके पास? Yes, sir. हाँ, तो बताओ. Yes, sir. हाँ, कहाँ थे हम लोग? जहाँ है उससे आगे continue करो. Sir, याद सर मैं अभी आया हूँ सर. अभी आए हो? Yes, sir. इसलिए पता नहीं सर. मैं आपको बता रहा हूँ. Third stanza है. थर्ड स्टैंजा से पढ़ना है. पढ़ के सुनाओ. थर्ड स्टैंज सर 26 पेज नंबर 76. यस सर 26 किलोमीटर सर. नहीं सर थर्ड स्टैंजा से तीसरा पैराग्राफ
कहाँ है? टीचर सर विथ टीयर्स विथ टीयर्स विथ टीयर्स हाँ तीसरा पैराग्राफ देखो पेज नंबर 76 ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चलो देखो ये बुक आपको हाँ यस सर बुक दिखाई यस सर हाँ यस सर पेज नंबर 76 यस सर पेज नंबर 76 यही ना हाँ यस सर पेज नंबर 76 फॉलो यस सर वी वेयर एट द माउंटेन्स नहीं उठा वी वर्क नहीं ये फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ तो अभी अभी हमने पढ़ा है थर्ड पैराग्राफ से आप शुरू करो विथ टीयर्स इन माय आईज विथ टीयर्स फॉर द टीयर्स फॉर की नहीं नहीं विथ टीयर्स इन माय आईज तीसरा पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ देखिए बेटा अगर इस तरह से आप क्लास में रहोगे तो काम चलने वाला नहीं है यू शुड सिट प्रॉपरली विद योर बुक्स अपनी बुक्स के साथ आप ठीक से बैठो और क्लास में जो भी एक्टिविटी हो गई आप उस पर ध्यान दो ओके नहीं तो ऐसा ही ओम जैसा हाल होगा आपको पता नहीं रहेगा क्लास में क्या हुआ है ये देखिए ये पेज नंबर 76 पर ये थर्ड पैराग्राफ विथ टीयर्स कैन यू सी Yes, sir. With tears in my eyes, I started walking slow toward the room of Sir Brigadier. Brigadier. Gyan Singh. Brigadier. Brigadier. ज्ञान सिंह द डॉग डॉक्टर डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर कौन होता है बेटा सर जानते हो सर डायरेक्टर हाँ वन हु डायरेक्ट्स यू वन हु शो यू पाथ वन हु टेल्स यू हाउ टू डू हाउ टू परफॉर्म अ वर्क जो आपको बताए काम कैसे करना है डायरेक्शन दे दिशा निर्देशन करे जो आपका वही डायरेक्टर होता है तो हु इज डायरेक्टर है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है ना फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क फॉर माउंटेनियरिंग यस सर डायरेक्टर ऑफ अ एडवेंचर क्रूसर कोर्स व्हाट इज इट कोर्स course what will you say course I was thinking of what I would say to excuse myself from the day as trek suddenly I heard His deep voice for behind. From behind. Mad. बस रुक जाओ. From. हाँ. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? अपने आँखों में आंसू लेकर वो किसके रूम की तरफ गई? अपने डायरेक्टर के रूम की तरफ, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ. और वहां जाकर उन्होंने क्या उम्मीद की? कि उनको आज की ट्रैकिंग से एक्सक्यूज मिल जाएगा. लेकिन तभी अचानक क्या हुआ? उन्होंने पीछे से अपने डायरेक्टर की आवाज सुनी. है ना चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में उनके डायरेक्टर क्या कहते हैं कृतिका अनम्यूट योरसेल्फ